ओके सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। सुनिए, ऑडियो बोलूँ सबको? हाँ, और सब लोग एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे तो नींद नहीं आएगी, ऐसा ना, क्योंकि डिनर के बाद सब बैठे हैं तो नींद आ जाएगी अगर तुम एक्टिव नहीं रहोगे। एक्टिव मतलब कम्युनिकेट करो, जो दिमाग में क्वेश्चंस आए पूछो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उससे इंटरेक्टिव क्लास रहेगा तो नींद नहीं आएगी, समझ भी आएगी, वरना रिकॉर्डिंग देखोगे रिकॉर्डिंग बोरिंग होता है ना। सो लाइव में थोड़े से पूछ सकते हो, बता सकते हो, या जो भी प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी क्या है, तो मैंने पहले आई थिंक 4 लेक्चर लिए थे, राइट? कितने वो, 3 या 4, किसको याद है? मैं बेसिक डिस्कस कर रहा था ना, तो मुझे याद आ रहा यस चार चार लिए होंगे, हैं? सर। हाँ, 4 लिए होंगे। हमने एक्चुअली अभी क्या ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कोविड में अभी बीएससी किए हैं, क्योंकि 20 से 23 चल रहा है, तो हमें है ना थोड़ा सा वो है कि बच्चे है ना, कई बार क्या है कि बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाए ड्यू टू सिचुएशन ऐसी थी, तो हम इस बार बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। तो बेसिक से क्या स्टार्ट किया कि लाइक एक फाउंडेशन से स्टार्ट किया, फिर जाम का एक्चुअल सिलेबस जो है, क्योंकि जाम का लेवल बीएससी लेवल है, तो पहले हम थोड़ा सा उसके रूट में आए हैं कि 11th 12th वाली चीजें जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को भूल गए होंगे, तो बस एक बार याद आ जाएगा ताकि आगे एक प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम लोग एनसीईआरटी का ही बोले रहे थे, बेस लेके कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो बुक है। क्लास 11th वाली जो एनसीईआरटी है मैथ्स की, ठीक है, तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया है, मतलब जो पिछले 4 लेक्चर जो मैंने लिए होंगे उसमें हमने उसमें चैप्टर नंबर 7 है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। और तुम लोगों को ये पता ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, काउंटिंग ही तो है। प्रोबेबिलिटी में जस्ट क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, हमने एक चैप्टर नंबर 16 था, आई थिंक 16 था, 15 था, 16 था, याद है ना। ये था प्रोबेबिलिटी क्लास 11th में जो है बेसिक, ये डिस्कस किया था। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, रिवाइज करना, एक बार जस्ट गो थ्रू डेफिनेशन, सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस मन में एक बार सॉल्व कर लो, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट है ना वो हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, मतलब जो भी चीज भूल गए होगे याद आ जाएगा, तो वो तुम्हें आगे समझने में हेल्प करेगा। ओके, अभी इसी 11th क्लास चैप्टर में 2 चैप्टर और है जिसका तुम्हें जरूरत है ना, जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। चैप्टर 8 क्या है, सो याद है नाम, क्लास 11th, यस, सो बाइनोमियल थ्योरम। तो आप लोग जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। या जैसे इसी में तुम मिडिल टर्म निकालोगे कहीं पे, तो मिडिल टर्म कहीं ना कहीं मीडियन से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ये रिलेटेड हो जाएगा। सो बाइनोमियल थ्योरम हो गया। और चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 1, हाँ, सेट थ्योरी, ठीक है। ये चीजें हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है एग्जाम का, जो आपने बीएससी में पढ़े होंगे, उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने किया है, ये भी हमने किया है, अब ये दोनों करेंगे, ठीक है। फिर क्लास 12th एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे फाइनली जो जैम का प्रॉपर सिलेबस है, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 11th का है। फिर क्लास 12th में जो है मेनली क्लास 12th में एक ही चैप्टर करना है, वो चैप्टर नंबर 13 है उसमें, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी जो है, सो वो बस करना है क्लास 12th वाली। सो 11th में ये चैप्टर हमें एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाना है, सो दैट रिकॉल हो जाए। हालांकि इनके एडवांस लेवल भी तुम देख सकते हो, बुक जो बीएससी लेवल पे जो चलती है सेट थ्योरी, क्योंकि 11th 12th में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन मैं थोड़ा कराऊंगा आगे, उसका थोड़ा अच्छा लेवल है। जैसे मान लो अब काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सब 11th 12th में नहीं है, लेकिन बीएससी लेवल का सेट थ्योरी की बुक पढ़ोगे तो वहां है ये। अच्छा, मैं कुछ लोगों को बना देता हूँ को होस्ट, ताकि एडमिट कर देना। ओके,
तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करें पहले बताओ, अभी सेट थ्योरी डिस्कस करें या फिर बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करें? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है ओके, सो नेम से ही क्लियर है, बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि मैं बहुत फास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये सब आपको आता है, जस्ट एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसमें जो भी डाउट होगा, चाहे कोई टर्म समझ ना आया हो, आप घर पे क्या करो, जैसे ये पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल पे टाइप करो एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम पीडीएफ, तो ये आ जाएगा। तो मैंने यही किया है, तो खुद ही खुल गया ये। अब आपको देखना है इसमें जस्ट एक एक लाइन आप पढ़ो, घर पे क्या है थोड़ा सा टाइम दो, है ना। सो एक एक लाइन पढ़ो, जो भी टर्म समझना है, कोई वर्ड समझना है, आप पूछो, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, जब प्रॉपर जिस एग्जाम की तैयारी करो, फॉर एग्जाम्पल तुम जैम की करो, जैम के एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, साथ में गेट का भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि गेट और जैम का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है कॉमन सिलेबस में। बाकी तुम लोग जो लोग आईएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आईएसआई का प्रीवियस ईयर करो, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट वही है। देखो जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो सब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें बताएगा कि तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका क्या लेवल है और तुम्हारा क्या लेवल है, तो उससे तुम्हें मैच करना होगा, क्योंकि बुक में सब हर बुक में सेम ही चीज लिखी है, चाहे वो किसी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम का लेवल डिसाइड करता है किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। पर सब लोग सेम भी बुक रहे हैं, सब लोग सही पढ़ रहे हैं, सब लोग एक ही किताब पढ़ रहे हैं, बस तुम्हें अपना लेवल इंप्रूव करते रहना है रिविजन कर करके, और प्रैक्टिस है। ओके, सो बाइनोमियल थ्योरम, सो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइनोमियल? ये बाइनोमियल का मतलब क्या है, कोई बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस बाइनोमियल? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। हाँ, टू टर्म्स, ठीक है। सो बाइनोमियल का मतलब हो गया टू टर्म्स, सो यहाँ टू टर्म्स है, उसके रिलेटेड थ्योरम पढ़ने हमें। सो मेनली क्या है इसमें, सो देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि देखो यहाँ बता ही रखा है कि क्या बता रखा है इसमें डेफिनेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, सो ये ऐसे ये सब चीजें 9th-10th में भी जब पॉलीनोमियल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उस समय तो ये बाइनोमियल्स हैं, दो दो टर्म है इसमें, देखो सब में दो दो टर्म है, तो ये सारे क्या हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। अब हमें इसके पावर्स के बारे में सीखना है, ठीक है ना। सो अभी देखो ये बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सप्रेशन तुम्हें दिख रहा है कि ए एंड बी आर रियल नंबर्स, एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन, तो चलो इसको इधर डिस्कस करते हैं। सो मेनली हमें देखना है बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ओके, है ना, जैसा तुम लोग जो लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिनको पता है उसमें भी जो हर टर्म है ना, जो मास तुम निकालते हो पढ़े वो बाइनोमियल थ्योरम का टर्म्स ही है एक्चुअली, तुम्हें अभी दिखेगा। देखो तो जैसे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की पावर एन, ठीक है। सो एन से पहले तुम सिंपली इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हो, सो लाइक ए प्लस बी की पावर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तुम स्टार्ट 0 से भी कर सकते हो, लेकिन एन 0 लेते नहीं है, तो ठीक है हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये तो जस्ट तुम्हें पता ही है कि जस्ट इट इज जस्ट ए प्लस बी, या ए प्लस बी का स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, या ए प्लस बी की पावर 3 है, सो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब ए प्लस बी की पावर 4। बताओ कोई इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला, जैसे मैंने ये लिखा है उस तरह से, कोई भी ट्राई करो। क्या हुआ, किसी को याद नहीं है? नहीं, कोई तो याद तो होगा कुछ लोगों को। a² जी, a² प्लस फोर ए फोर ए क्यूब बी 4ab प्लस 6a² b² 6a² b² प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस
4 ठीक है। तो जिसको इसके पीछे की स्टोरी पता वो इजीली बता देंगे, है ना, जिनको इसके पीछे की स्टोरी पता है कि आता कैसे है तो वो ये भी बता देंगे इजीली, ठीक है। सो क्या होगा, a की पावर 5 प्लस 5 a 4b प्लस कितना 5 4 20 अपॉन 2 10 a क्यूब b स्क्वायर देन 5 कितना होगा टर्म 5 है 6 टर्म होंगे यहाँ पे तो 10 ही आएगा 5c3 कितना होगा 10 सो 10 a स्क्वायर b क्यूब 5 a b 4 प्लस b 5 अभी लिखा कैसे जा रहा है ना ये समझना है। ओके सो ये तो जैसे मैं तुम्हें समझा रहा था कि ये जो कोएफिशिएंट्स है ये पर्टिकुलर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, सो लाइक कि ये जो कोएफिशिएंट है 1 यहां 1 है यहां 1 2 1 है ये जो 1 है यहां 3 3 यहां 1 है ठीक है 1 4 6 4 1 ठीक है ये जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्चुअली 1 5 10 10 5 1 है ना ये कोएफिशिएंट एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं वो रूल आप सबको पता है। सो आप सबने NCR पढ़ा है जिसका नोटेशन अब मैं ऐसा लिखूंगा या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं है ना जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उस पर ये नोटेशन यूज किया जाता है तो NCR की जगह ऐसा लिखा रहेगा N choose R NCR ये फॉर्मूला भी आप सबको पता है। सो बताओ कोई NCR का फॉर्मूला क्या है जी n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल हाँ n माइनस r फैक्टोरियल ओके सो ये NCR का फॉर्मूला है सिंपली यहाँ पे आपको पता है कि n जो होगा r शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड ये मोर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है n जीरो नहीं होगा ठीक है सो n विल नॉट बी जीरो बाकी ओके तो ये कोई भी सेंटर उसी को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली आप नोटिस करेंगे। सो ये क्या है ये है 2c0 ये है 2c1 ये है 2c2 यहाँ था 3c0 3c1 3c2 3c3 ठीक है फिर ये 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 आप चेक कर सकते हैं उस फॉर्मूले से आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ऑलरेडी। सो ये है 5c0 ये है 5c1 5c2 और यह है 5c3 5c4 और यहाँ जो 1 है यह 5c5 सो मतलब जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं वो रूल यही है कि वो NC0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं अगर इन जनरल लिखूं जो मैं लिख रहा था तो अब आप लोग भी बता पाएंगे इजीली कि NC0 ठीक है ना सो a की पावर यहाँ n है b की पावर 0 है फिर अगला टर्म है NC1 एंड अगेन a की पावर अब घटती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी और किसी भी टर्म में a प्लस a और b के पावर को ऐड करोगे तो n होगा है ना सो लाइक a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 फिर नेक्स्ट ऐसे ही NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 सेकेंड लास्ट टर्म लिखूंगा तो NCn-1 a की पावर 1 b की पावर n-1 और लास्ट टर्म होगा NCn a की पावर 0 b की पावर n। देखो ये वही है इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अगर ऐसा लिखूं NC0 a की पावर 0 b की पावर n ये सेम बात है NC1 a की पावर 1 b की पावर n-1 NC2 a की पावर 2 b की पावर n-2 जरा समझना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कंपेयर करो समझ आएगा NCn-1 a की पावर n-1 b की पावर 1 NCn a की पावर n b की पावर 0 ठीक है तो क्या आपको समझ आ रहा है तो वो सेम है और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि NCR और NCn-r सेम होता है इसीलिए ये भी आपको पता है क्योंकि यहां a की पावर n का कोएफिशिएंट NC0 है और यहाँ a की पावर n का कोएफिशिएंट NCn है दोनों सेम ही हैं यहाँ NC1 है a की पावर n-1 का कोएफिशिएंट और यहाँ a की पावर n-1 का कोएफिशिएंट NCn-1 है ये दोनों सेम ही होता है आपको पता है तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखता हूँ शॉर्टकट का मतलब ये हो गया कि अब मैं इसको लिखता हूँ a प्लस b की पावर n ठीक है तो इसको मैं एक साथ कंबाइन करके लिखता हूँ
तो जब मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो कोएफिशिएंट क्या है इसका, NCR। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरह नोटेशन यूज करूंगा मैं, इसका मतलब होगा, और ये आगे पूरा प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ जैम का, तो पूरे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में यही नोटेशन चलेगा, और बुक में भी यही नोटेशन मिलेंगे तुम्हें, इंडियन बुक में ना मिले बट बाकी जो फॉरेन ऑथर्स बुक्स में ये मिलेगा NCR। अब यहाँ आप लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। आर कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ, आर की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या है सर, 0 to n। या आप अगर इसको ऐसा भी लिख देते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, NCR a की पावर r, b की पावर n माइनस r, r फ्रॉम 0 to n, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। तो आगे जब बाइनोमियल थ्योरम आप जो पढ़ते हैं आपको याद होगा जिन लोगों को, तो बाइनोमियल थ्योरम में PMF क्या होता है, NCR p की पावर r, q की पावर n माइनस r, इस तरह से जो ये वाला है यूज होता है, दोनों सेम चीज है। अब ऐसा लिखो तो सेम बात है, वैसा लिखो सेम बात, दोनों सेम ही बात है। ओके, सो ये फॉर्मूला हो गया, तो मैं एक बार फिर से इसको ठीक से लिख देता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो a प्लस बी की पावर n है, सो दिस इज r फ्रॉम 0 to n, NCR a की पावर r, b की पावर n माइनस r। हालांकि NCRT में आपको एक ही तरीके से लिखा हुआ है ना वहां, क्योंकि आपको ये खुद समझना है कि दोनों सेम है। NCRT में सिर्फ ये वाला मिलेगा जो मैं अब लिख रहा हूँ, NCRT में सिर्फ ये लिखा, आपको भी शायद आप में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही याद होगा, है ना। फर्स्ट टाइम अगर मैं पूछ लेता क्या दोनों सेम है तो आपको लगता है डिफरेंट है कुछ लोगों को, है ना। ओके, सो आपको याद होगा, चलो बाइनोमियल थ्योरम अभी क्लास 12th में सबने पढ़ा होगा, तो क्या लिखते हो आप, p प्लस क्यू की पावर n, है ना। p प्लस क्यू वन होता है ना, आप जानते हो जो p नोटेशन यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए, q यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के लिए। और अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे, अभी बस मैं बता रहा हूँ जिन लोगों को पहले से आइडिया है कोई दिक्कत नहीं, बस समझो a की जगह मैंने p रख दिया, b की जगह q रख दिया। p q का मीनिंग प्रोबेबिलिटी के सेंस में है कि, है ना, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th में है, तभी 12th की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे फिर से। तो p का वहां मतलब होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, और q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। p प्लस q 1 होता है और q बराबर 1 माइनस p, बात बराबर है। तो ये आप सब क्वालिटी पता है, जिनको नहीं पता है सो अभी पता चलेगा धीरे धीरे ना, क्योंकि इसलिए एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होता ना, जब रिपीटेडली आप कोई चीज से जब आप गुजरते हो तो आप उस चीज को अच्छे से जान पाते हो। सो ऐसे ही अभी इंट्रोड्यूस होगा बार बार तो समझ आएगा। सो इसको देखो कि क्या होगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से आया है, मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ, देखो। सो आर फ्रॉम 0 to n, NCR अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो p की पावर r, q की पावर n माइनस r। या अगर आप लिखते हो r फ्रॉम 0 to n, NCR, तो ये हो गया p की पावर n माइनस r, q की पावर r, ठीक है। ये समेशन को ऐसा लिख रहा हूं मैं बाइनोमियल थ्योरम अभी डिस्कस कर रहा हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाद में डिस्कस करूंगा, तो इसका समेशन यही होगा, अगर आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा लाइक, ठीक है ना, कितने टर्म्स है, जैसे ये टर्म्स है वैसे ही, बस यहाँ ए बी है वहां मैंने पी क्यू लिख दिया, सो इस तरीके से है। ओके, अब मजे की बात क्या है, कुछ सीरीज की जरूरत पड़ती है हमें, जैसे मैं आपसे अगर पूछ लूं, जैसे चलो क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ, इसकी जरूरत अक्सर पड़ेगी, मैं अभी जैम का क्वेश्चन भी ये खोल के दिखाऊंगा, इसमें ये क्वेश्चन आया है जो मैं अभी लिखूंगा अभी, सो ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है इनफैक्ट, ठीक है। तो मैं उस तरीके से ना बता के मैं आपको सिंपल तरीके से पूछता हूँ, क्वेश्चन है ठीक है, मैं जो क्वेश्चन भी ले रहा हूँ जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है 19-20 में ही आया हुआ है। सो क्वेश्चन ये है कि इफ समेशन k टाइम NCR r फ्रॉम 0 to n दिस इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करो पहले तो। अब फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसको यूज करना है, अब जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए मैं चेक करता हूँ कितने लोग अप्लाई कर पाते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो मैंने पीछे लिखाए हैं बाइनोमियल थ्योरम से होगा सिंपल। सो आपको ट्राई करके बताना है के क्या होगा, बताइए के क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन 1/2, ओके ए बी, कोई नहीं, देखो गलत आंसर देने में घबराना नहीं, क्योंकि जो लोग गलत आंसर बता रहे हैं एटलीस्ट यू आर मच बेटर देन दोज हु आर नॉट ट्राइंग, ठीक है ना।
तो अभी गलती कर लोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। जो बच्चे अभी गलती नहीं करते वो सीधा एग्जाम में गलती करते हैं। तो ये डिसाइड करना है, तो क्लास में गलती करो या घर पे गलती करो, नहीं ये घर पे गलतियां नहीं करोगे तो सीधा एग्जाम में गलती करोगे, फिर वहां जाके अभी तो इज्जत बचा लोगे क्लास में, फिर एग्जाम के बाद ऐसी इज्जत दिख जाने, एडमिशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा पता चल जाएगा लोगों को। तो इसीलिए जो भी है ट्राई करो, गलतियां करो, गलतियां करके ज्यादा सीखते हैं लोग। और बताओ बाकी लोग भी ट्राई करो। हिंट के ऊपर वाला फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम है क्लास 12th वाला। ओके, सो 1/2 n, सो एक ऑप्शन आया 1/2 n, या अलग अलग कर लो बात बराबर ही है, 1/2 कैसे भी लिख लो। और हाँ ठीक है ओके, सो मान लो इस तरह के ऑप्शंस होंगे, सपोज कुछ भी है ना, इस मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे ऑप्शंस दे दिए। सो सिंपल अब करना क्या है, तो अब थोड़े से इसको अगले पेज पे आओ, अब समझते हैं। देखो सो ए प्लस बी की पावर एन क्या है तुम्हारे पास, अभी मैंने ओपन करके भी लिखा था, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा था, जैसे लिख रहा हूँ एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अभी कुछ लोगों को वो याद होगा एक बार n माइनस आर वाला जो तुम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हो। सो ओके, सो कोई भी लिखो, सो r फ्रॉम 0 टू n। अब तुम a को और b को दोनों को 1 रख दो, देखो क्या होता है। हालांकि कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा, तो लेफ्ट साइड है 2 की पावर n, समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ, जहां जहां a और b दिख रहा है उसको पुट कर दो तुम 1 1, जहां भी ये भी दिख रहा है, तो 1+1 2 की पावर n लेफ्ट साइड हो गया, और राइट साइड क्या हो गया R from 0 to n, n c r into a को 1, b को 1, तो 1 की पावर समथिंग 1 ही हो गया, सो खत्म। ओके, तो यहां से तुम्हें एक फॉर्मूला समझ आया, ये एक फॉर्मूला है, इसको ओपन करूंगा, देखो इसी को ओपन कर देता हूं, तो इसको ओपन करोगे तो ये हो गया n c 0 plus n c 1 plus n c 2, ये चलता रहेगा n c n तक, ठीक है। So, NC0, NC1, NC2, NCN तक का सम 2 की पावर n होता है, तो यही फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला है। अब वो क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने क्वेश्चन 1 लिखा था, अब देखो उसमें क्या इसका यूज नहीं है। सो वहां ये था कि समेशन k टाइम NCR r फ्रॉम 0 टू n दिस इज 1, ये था ना। सो k को बाहर निकाल लो तुम, k तो कांस्टेंट है ना, समेशन भी बाहर आ सकता है। So, यहां तुम्हारे पास है समेशन एन सी आर, अब देखो ये वैल्यू यही नहीं है जो अभी हमने निकाला है, इसकी वैल्यू कितनी है चेक करो। सो आर फ्रॉम 0 टू n, इसकी वैल्यू 2 की पावर n है, सो ये हो गया k टाइम 2 की पावर n इज इक्वल टू 1, और तुमसे पूछा गया था k, तो k आ गया 1/2 की पावर n, देखो ये क्लियर है सबको, ठीक है। ओके, सो k यहां से आ गया 1/2 की पावर n, ठीक है ना। अब बाद में जाके यही बाइनोमियल बन जाता है, इसी को मैं ठीक से लिखूंगा, तो ओके अभी हमारा पर्पस सिर्फ k फाइंड करना था, सो k हमारा आ गया 1/2 की पावर n इस क्वेश्चन में था, अगर ऐसा है तो k क्या होगा। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे देखो एक सिर्फ एक ही फॉर्मूला है उसी पे सारा काम होगा, ये एक ही फॉर्मूला है, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, ये समेशन में लिखा हुआ, इसी को ओपन करके लिख, तो बात वही है, n टर्म्स होंगे, सॉरी n प्लस 1 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं, तो ये बाइनोमियल फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास। अब ये थोड़ी जनरल टर्म की बात कर रहा है कि लाइक आर प्लस वन एथ टर्म है, सो कोई भी दूसरा टर्म में लिख के दिखाता हूँ मैं भी क्या है। सो देखो फिर से मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग जो फॉर्म लेके चलते हैं, ए की पावर माइनस आर बी की पावर आर वाला, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी ये लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझना है कि अगर हम वैसे लिख रहे हैं क्योंकि इनका पैटर्न फिक्स है, इनमें जो फर्स्ट टर्म है वो ए की हाइएस्ट पावर लेते हैं, फिर पावर घटती जा रही है, उस फॉर्म में लिया है ना, दूसरा फॉर्म भी ले सकते हैं, सो इस फॉर्म से लेके इन्होंने पूरा सॉल्व किया है। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे ऑब्जर्वेशन ये है
कि तुम देख सकते हो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या कहना चाह रहा है। ये सिंपल लॉजिक है, देखो यहाँ पे अगर तुम देखते यहां जो मैं कर रहा था कि जब पावर वन था तो ये दो टर्म थे, है ना, जब पावर टू है तो ये थ्री टर्म था, पावर थ्री है तो यहाँ फोर टर्म है, पावर जब फोर है तो यहाँ फाइव टर्म है, देखो जब पावर फाइव है तो सिक्स टर्म्स है, सो ऑन। तो इसी तरीके से यहाँ जब पावर एन लिया तो आप चेक कर सकते हो टोटल यहाँ जीरो से स्टार्ट होके एन तक गया है, तो यहाँ वन से स्टार्ट करोगे तो एन सी वन से एन सी एन तक एन टर्म है और एक टर्म ये वाले, मतलब क्या मतलब ये कि टोटल एन प्लस वन टर्म है ना, टोटल एन प्लस वन, ए प्लस बी की पावर एन को जब ओपन करते हैं तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स आते हैं। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम का बहुत और भी यूज है, जैसे तुमसे अभी सिर्फ मैंने समेशन लिखा था क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लेवल नहीं है ना, एनसीईआरटी एवरेज लेवल का है, इससे और अच्छे जैसे जेडब्ल्यूई में जो एडवांस मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। तो पहले ये कह रहा है कि ए प्लस बी की पावर एन खोलोगे तो तुम्हारे पास एन प्लस वन टर्म आएंगे, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि यहाँ पे जो कहना चाह रहा है कि पावर ऑफ ए जो है ना इन द एक्सपेंशन ऑफ द इन एक्सपेंशन द फर्स्ट टर्म रेस्ट टू द पावर ऑफ द बाइनोमियल एंड इन द सबसिक्वेंट टर्म्स द पावर ऑफ ए रिड्यूस बाय 1, मतलब कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी की पावर एन जब खोलते हो तो जो पहला टर्म है वो ए की पावर एन है ना, और बाकी हर टर्म में ए की पावर घटती जा रही है या बी की पावर बढ़ती जा रही है, ये कहना चाह रहा है ना। फिर इन एनी टर्म द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ए एन बी इज इक्वल टू एन, तो कोई भी टर्म में तुम ए और बी के पावर को ऐड करके देख लो तो एन होगा, तो ये आप भी सिंपली ऑब्जर्व कर पाओगे कि एन प्लस जीरो एन, एन माइनस वन प्लस वन एन, मतलब टोटल पावर ए और बी के पावर का सम करोगे तो एन आएगा हमेशा। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं, सो आप ये सब रीड करो और बाकी देखो कोई समझ ना आए तो पूछना। अब यही कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट्स है इन द एक्सपेंशन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल, तो ये पहले उस तरह से नोन था कि लाइक वन फिर वन वन फिर वन टू वन, है ना, फिर आ गया वन थ्री थ्री वन, ये पैटर्न है वन फोर कितना हो गया सिक्स फोर वन, तो आपने देखा होगा जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे ये कोएफिशिएंट इस रूल को फॉलो कर रहा था, जब a प्लस बी की पावर 1 था तो कोएफिशिएंट ऐसा फॉलो कर रहा था, a प्लस बी का स्क्वायर इसको फॉलो कर रहा था, a प्लस बी का क्यूब इसको फॉलो किया है, a प्लस बी की पावर 4 इसको फॉलो किया है, एंड सो ऑन। और ये कुछ नहीं वही है nc0 nc1 मतलब 1c0 1c1 2c0 2c1 2c2 3c0 3c1 3c2 3c3 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, तो इस तरीके से था, बट ये कुछ फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर पैटर्न को, ये बताना चाह रहा है। सो यहाँ वो ट्रायंगल है देखो, सो सम हो रहा है हर बार ना, वही सम हो रहा है कि वन वन मिलकर टू हो गया, वन टू मिलकर थ्री हो गया, थ्री थ्री मिलकर सिक्स हो गया, तो इस तरीके से एक पैटर्न हो गया। पावर फाइव का भी तुम इससे लिख सकते हो जैसे मैं लिखा था अभी, तो कुछ नहीं है फाइव सी जीरो फाइव सी वन फाइव सी टू फाइव सी थ्री फाइव सी फोर फाइव सी फाइव, इस तरह से कोई पेशेंट फॉलो कर रहा है। अब ये होता है आर प्लस वन एक्स टर्म, ये है जनरल टर्म, ठीक है जनरल टर्म है, सो आर प्लस वन एक्स टर्म और जनरल टर्म इज गिवन बाय दिस, तो आपको इन्होंने फिक्स कर दिया कि इस तरह से लेना। देखो इनका जो है एनसीईआरटी में ये सिर्फ जैसे मैंने ये लिख दिया तो वो इसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बाकी रूल्स इसके हिसाब से, फर्स्ट टर्म की बात है तो यहाँ फर्स्ट टर्म एनसीईआरटी में ये कंसिडर करेगा, अगर मैं ये वाला एक्सपेंशन लेकर चलूंगा तो फर्स्ट टर्म इसको लूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से गलत हो जाएगा क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ इसी को एक ही एक्सपेंशन को लेके पूरा चैप्टर लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, वैसे गलत नहीं होगा यहाँ पे अगर ये लिखेंगे हम, क्योंकि हमने इसके रेफरेंस में काम कर रहे हैं, सो इसीलिए हम इसके हिसाब से लिखेंगे कि एक ही पावर हाईएस्ट वाला फर्स्ट टर्म होगा फिर एक एक पावर घटती जा रही है, तो वो फर्स्ट टर्म ये होगा सेकेंड टर्म ये होगा, तो इसके रेफरेंस में बाकी सारे फॉर्मूला है जो भी फॉर्मूला एनसीईआरटी में वो इसके रेफरेंस में, बट हम लिख ऐसे भी सकते हैं दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। सो जैसे हम r प्लस वन टर्म की बात कर रहे हैं, देख लो जैसे यहाँ पे था तो फर्स्ट टर्म क्या है nc0 a की पावर n b की पावर 0, सेकेंड टर्म क्या है nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, थर्ड टर्म क्या है nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, एंड ऐसे चल रहा है, n माइनस 1 टर्म है nc नहीं एक मिनट
ये कौन सा वाला टर्म होगा, ये nth टर्म होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में nc 0 था। आर यू गेटिंग? तो देखो, तो जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं, तो जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं a प्लस b की पावर n, तो हमने स्टार्ट किया nc 0 से, a की पावर n, b की पावर 0, nc 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहा है। लास्ट टर्म है एन सी एन, ए की पावर 0, b की पावर n, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ तुम देख रहे हो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है एन सी जीरो ए की पावर एन, मैं भाई इसी के हिसाब से लिख देता हूँ, है ना, सो जैसे बुक में है उसी हिसाब से लिख देता हूँ इस तरह से। सेकेंड टर्म एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, देखो ऐसे है ना। थर्ड टर्म एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, चेक करो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अगर तुमसे अगर मान लो कोई एन ऐसा है जिसमें तुमसे पूछ ले कि 50वां टर्म, तो 50वां टर्म कैसा दिखेगा बताओ, अगर एन 50 ज्यादा है तो 49। हाँ, सो ये होगा एन सी 49, ठीक है। पैटर्न को पकड़ना है तुम्हें, मैं पूछना चाहता हूँ, पैटर्न पकड़ो। सो ए की पावर एन माइनस 49, बी की पावर 49, दिस इज इजी टू, है ना। सो इसी बेसिस पे एक्चुअली, इसी बेसिस पे ये लोग टी आर प्लस 1 लिखते हैं। So, TR plus 1 मतलब R plus 1th term. So, R plus 1th term. तो जैसे यहाँ पे तुमने देखा कि जब 50वां term है यहाँ 49 आ रहा है, तो उसी तरीके से R plus 1 term में क्या आएगा, R अब यहाँ पे आएगा, NCR A की power N minus R B raised to power R, ठीक है। तो ये R plus 1th term का formula है, इसी logic से तुम देख सकते हो simply। First term ये है, second term ये, third term, मतलब 50वां term में लिख के दिखा just pattern समझने के लिए। फिर R plus 1 term, अगर तुम्हें कभी TR की जरूरत पड़ती है, so RS term, तो यहाँ एक कम होगा, है ना, so this you know already, so यहाँ A, अब ये घट जाएगा, N minus R plus 1, B की power R minus 1, so इस तरीके से ये RS term हो गया। किसी को कुछ डाउट हो तो बताना, क्योंकि ये सब मुश्किल नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, जैसे हम रिविजन कर रहे हैं एक बार। सो इस तरीके से, ठीक है ना, ये R plus 1 term लिखा है NCR, ठीक है। NCR को मैं वैसे लिखता हूँ, ठीक है ना, NCR को, मतलब मैं ही नहीं, बुक में भी आ गए तुम्हें, जिससे जो बुक मैं फॉलो करूंगा, चाहे वीकर वैद की है या जो भी बुक मैं फॉलो करूंगा, तो उसमें इस तरह के रोटेशंस होंगे। प्रसन्ना साहू वाली बुक में भी, तो अगर कोई भी बुक देख लो ना, अच्छा एक मिनट, तो आगे क्या है, अब ये कुछ फॉर्मूला बता रहा है, a माइनस b की पावर n कैसा आएगा, तो b को माइनस b रख दिया, ओके। अब जैसे अभी मैं उसी ऑब्जर्वेशन से बेस पर आपसे ये पूछूं कि जैसे देखो, अभी एक क्वेश्चन लिखा था, उसी ऑब्जर्वेशन से ये पूछता मैं आपसे, जैसे क्वेश्चन 2 है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। मान लो ऐसा है कि द वैल्यू ऑफ, जैसे ये बहुत ईजी है, लेकिन जो समझ पाएंगे वो बता पाएंगे। जैसे मान लो हो गया 100 सी 0, एक मिनट, तो ऐसा क्यों लिखता हूँ मैं, so 100 c 0 plus 100 c 1, अच्छा तो प्लस की बजाय मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है। फिर प्लस में 100 c 2 माइनस 100 c 3, इस तरीके से है, और ऐसा चल रहा है मान लो, ठीक है। सो लास्ट में क्या होगा, 100 c 100 प्लस रहेगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तुम ट्राई करो, दिस इज इक्वल टू, बताओ तुम लोग पहले खुद ही बताओ। अब बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट करने की कोशिश करो, जीरो, हाँ सो ओके, सो दिस इज जीरो, ओके। और कुछ किसी को आ रहा आइडिया, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 100 आइडिया आ सकता है किसी को, सो 1 बाय 2 की पावर 100 दिमाग में आ सकता है, ठीक है ना। सो ये बहुत इजी है समझना, जैसे वहां पे था उसी बेसिस पे लिख रहा हूं। सो मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाह रहा हूं तुम कैसे अप्लाई करोगे। सो अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b की पावर 100 का, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला तुम लिखोगे, चलो ओपन करके लिख लो चाहो, चलो ओपन करके लिख लेता हूं, 100 c 0 a की पावर 100 b की पावर 0, ये था ना, प्लस 100 c 1 a की पावर 99 b की पावर 1, ये चलता रहेगा लास्ट में,
100 सी 100 ए की पावर 0 बी की पावर 100 ए की पावर 0 बी की पावर 100 इस तरीके से। सो अब यहां पे क्या है कि जस्ट ए को तुम 1 और बी को -1 रख दो, देखो क्या होता है, ठीक है। या मैं इसे तुम्हें बोलू कि चलो ए माइनस बी की पावर एन लिख के देखते हैं। सो बी की जगह माइनस बी रख देते हैं, अब इस बी की जगह माइनस बी रख देते हैं। सो ये हो जाएगा 100 सी 0 ए की पावर 100 तो बी की पावर 0 ही रहेगी, यहां माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी की पावर 1 है। तो बी की जगह माइनस बी रखोगे तुम तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। सो 100 सी 1 ए की पावर 99 बी की, माइनस क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि यहां बी को हमने माइनस बी रखा हुआ है। सो इसमें जहां जहां बी है रिप्लेस बी बाई माइनस बी। सो यहां तुम रखोगे, यहां फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस बी की पावर 0 सेम ही रहेगा, पावर इवन है, यहां पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा। नेक्स्ट टर्म में पावर इवन है फिर से, बी की पावर 2 होगी नेक्स्ट टर्म में, तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। यहां भी चेंज नहीं होगा, तो 100 सी 100 ए की पावर 0 बी की पावर 100। सो लाइक दिस, अब सिंपली क्या हुआ कि एक में प्लस एक में माइनस, तो यहां मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है ना। सो ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस ऐसा चलेगा, माइनस चलता रहेगा बीच में, ऑल्टरनेट साइन है। अब इसमें ये कह रहा हूं कि अब तुम इस वाले फॉर्मूले में तुम चेक करो क्या आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि इस वाले में 1-1 की पावर एन निकाल के देखो, ए को 1 रखो और बी को भी 1 रखो, देखो क्या आता है, ठीक है ना। तो ए को 1 बी को 1 रख के देखो, सो जस्ट ये वही आ जाएगा जो ऊपर एक्सप्रेशन में लिखा था। सो आपको खुद दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए, तो इस तरह चीजें आगे जरूरत पड़ेगी कि 100 से 0, 100 सी 1, 100 सी 2, 100 सी 3 ऐसा चलता रहेगा, इसमें लास्ट में 100 सी 100 ए भी तो 1 हो गया तो खत्म, तो यही पूछा था हमने। तो इसका आंसर 1-1 की पावर 0 कितना है, 0 हो गया ना, ये तो 1-1 0 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई टोटल, ठीक है। तो ये टोटल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, सो आंसर जो है वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, तो बहुत लोगों ने बता भी दिए थे। सो जस्ट ये एप्लीकेशंस हैं, इसको यूज करने से बुक्स में बहुत सारी थ्योरीज हैं, एंट्रेंस में क्या होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्वेश्चंस पे कमांड करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आप किताब को जैसे थ्योरीज जानते हो लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेडमिक्स में क्या है याद रखने वाली चीजें हेल्प करती है, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ हो गया या डेफिनेशन एग्जाम पूछ लेते हैं अकेडमिक स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में क्या करते हैं कि डिफाइन दिस या फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया उससे रिलेटेड है ना, तो वहाँ सब्जेक्टिव एक्चुअली, तो वो अप्रोच सब्जेक्टिव है, वो अलग अप्रोच हो गया, वहाँ आपको डिटेल में लिखना है। अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या है कि आपको उन चीजों को अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा कि हाउ विल यू अप्लाई, और कम टाइम में सॉल्व करना है। तो एकेडमिक में सिंपली लिखना होता है ना, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपको सीखना पड़ेगा हाउ विल यू अप्लाई दिस, तो ये अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो ये यही टर्म यहाँ पे, जैसे मान लो कुछ एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे हैं, ए प्लस बी की पावर एन, ए माइनस बी की पावर एन, दोनों को ऐड कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे यहाँ से एक चीज और क्लियर है, देखो तुमने जैसे बताया, मैं इसको एक बार लिखता हूँ। तो जो मैंने यहाँ लिखा था, अभी हमने लिखा 100 सी 0 माइनस 100 सी 1 प्लस 100 सी 2 माइनस 100 सी 3 ऐसे चल रहा है, 100 सी 4 ठीक है, NCR की जगह मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ। सो इक्वल टू, अभी हमने देखा ये 0 आया, सॉरी ये 100, सो 100 सी 100 ठीक है, 100 तक, सो ये इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या हमारे पास है, तुम जितने नेगेटिव टर्म है राइट में भेज दो, जितने नेगेटिव टर्म है उसको राइट में भेज दो, तो क्या होगा देखो, सो 100 सी 0 प्लस 100 सी 2 प्लस 100 सी 4 ये लास्ट में क्या है, 100 सी 100। सो यहां जो भी प्लस टर्म है लेफ्ट में रख लिया हमने, जो माइनस है उसको राइट में भेज दिया। सो यू विल नोट दैट ओके, सो 100 सी 1 100 सी 3 ये सब इक्वल है, लास्ट में होगा 100 सी 99। सो मतलब ये जो NCR, तो R की जगह जो इवन नंबर्स हैं वो इधर और R की जगह ऑड है उधर, दोनों का सम इक्वल है। और ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं पूछ लूं ये किसके इक्वल है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी,
सो नाउ द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 100C0 100C2 100C4 अप टू 100C100 पैटर्न देखो NC0 NC2 NC4 सिर्फ इवन नंबर्स हैं सो दिस इज इक्वल टू बताओ किसके इक्वल आएगा तुम्हें अप्लाई करना है उस कॉन्सेप्ट को ट्राई करो बताओ तुम में से क्या आंसर आएगा सर 2 टू द पावर n माइनस 1 ओके सो यहां पे क्या होना चाहिए n की जगह क्या है तो जैसे मैं ऑप्शंस बना देता हूं 2 की पावर 100 2 की पावर 99 2 की पावर 50 2 की पावर 49 क्या होगा सर 2 टू द पावर 99 ओके बाकी लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं यही लिखूं सिमिलर कि द वैल्यू ऑफ ऐसे ही होगा 100C0 की जगह मैं 1 कर दे रहा हूं 100C1 प्लस 100C3 अब ये ऑड कोई यहां ले रहा हूं r की जगह ऑड नंबर्स 100C5 अब 200C99 सो दिस इज इक्वल टू सो अगेन सेम ऑप्शन है टू की बार 49 सर से ठीक है ना सो ये समझ आ रहा सबको कैसे आया ऊपर लॉजिक लिखा हुआ है एक्चुअली इन सबको ऐड करने में कितना आया था तुम देखो अब देखो यहाँ सिंपल है अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये दो नंबर है a प्लस b जिसका सम जो है 2 की पावर n है और मैं बता दूं तुम्हें कि a इज इक्वल टू b है तो इसको यूज करके क्या तुम बता सकते हो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है ये लॉजिक है ना बताओ क्या लिखो ए की वैल्यू पावर n माइनस 1 यस सेम लॉजिक वहां है सो यहां पे जो है कि ये 2^n-1 ठीक है कैसे कि a को b रख दो तो वही तो हो रहा है देखो तुम याद करो अभी जब हमने लिखा था जब आपसे हमने पूछा था 100C0 फिर 100C1 100C2 और इसको ले जाओ कहां तक 100C100 तक तो हमने देखा था ना NC0 से NCN तक 2 की पावर n आया था तो n की जगह 100 है 2 की पावर 100 हो गया और अभी मैंने दिखा दिया पिछले स्लाइड में हमने क्या दिखा दिया हमने ये दिखा दिया कि जब r की जगह यहां पे देखो है ना ये था ये वाला जब r की जगह यहां पे इवन नंबर्स हैं और उधर क्या है ऑड नंबर्स है दोनों इक्वल आंसर देंगे क्योंकि सम जीरो था ना सो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये देखा देखो इसको ध्यान से सो इसमें क्या है
जो इवन वाले हैं उसको एक साथ रख लो, फॉर एग्जाम्पल 100C0, फिर 100C2, इस तरीके से 100C100, सो जो इवन वाला एक साथ प्लस, फिर 100C1, फिर 100C3, इस तरह से 100C99, और इसका सम कितना है 2 की पावर 100 है। ठीक है, तो ये देखो ये वो टर्म हो गया जिसमें R के प्लेस पे इवन है, ये वो टर्म है जो R के प्लेस पे ऑड है, और दोनों इक्वल है, तो मैं ये कहना चाहूँ देखो a प्लस बी बराबर 2 की पावर n, इस तरह से हो गया, मतलब a प्लस बी का xy भी लिख सकते हो, अगर a b से कंफ्यूजन हो तो तुम xy लिख लो या कुछ ऐसा लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, सो यहाँ ऐसा लिख लो कि ये x है और ये y है और दोनों मिलकर कितना है 2 की पावर n है, और अभी पिछले स्लाइड में मैंने क्या दिखाया कि xy इक्वल है, दिखा ना ये दोनों टर्म इक्वल है, इसका आंसर इक्वल होगा। सो यहाँ हमने क्या दिखाया कि 100C0 और 100C2 से लेके 100C100 तक ये चीज सेम ही है जो 100C1, 100C3 और 100C99 तक होंगे, दिखा ना, इसका मतलब ये कह दिया मैंने कि ये x जो है ये सेम ही है जो y है, राइट। तो कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, तो सिंपल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओके, सो जो x इंडिविजुअली और y इंडिविजुअली 2 की पावर n-1 है, आधा आधा है। तो इसी लॉजिक से, किसी को डाउट क्लियर नहीं तो बताओ, तो इसी लॉजिक से यहां पे हमारा आंसर 2 की पावर n-1 हुआ। ठीक है, इन दोनों में, उसी लॉजिक से दोनों में, ये x है ये y है, इस टाइप से, तो जस्ट बेसिक एप्लीकेशन है इन सब चीजों का। हाँ, फिर से देखो मैं ये बोल रहा हूं, सो कम टू दिस फॉर्मूला, देखो इसको, यहां क्या किया तुमने, ए बी दोनों को 1 रखा था, ठीक है, इस फॉर्मूले में ए और बी दोनों को 1 रख दिया, तो क्या आंसर आया कि 2 की पावर n NC0 NC1 NCN तक। अच्छा, अगर इसी में तुम ये करते कि तुम ए को रखो 1 और बी को रखो -1, तो क्या होगा, देखो इस वाले फॉर्मूले में ए को रखो 1 और बी को रखो -1, सो क्या होगा, बस रीराइट करना है तुम्हें, इसी चीज को दोबारा लिखना है, जैसे मैंने इसी चीज को दोबारा यहां लिखा था ए बी को 1 रख के, अब मैं इसी चीज को रीराइट करूंगा, देखो सो क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना 0, सो लेफ्ट साइड में 0 इक्वल टू समेशन R from 0 to N, और यहां हो गया NCR, अब A की जगह 1, B की जगह -1 रखना है, तो A को 1 और B को -1, तो 1 की पावर R 1 ही हो जाएगा, लेकिन -1 की पावर N-R रखना पड़ेगा, इस तरीके से उसको ओपन कर लो, तो अब समझ आएगा, या बात बराबर, तुम ऐसा करते ए को -1 बी को 1 रखो, है तो सेम ही चीज, वो समझने की बात है, सो मैं थोड़ा तुम्हें इजी समझने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, तुम ए को -1 बी को 1, बात बराबर ही है, ए को तुम -1 और बी को 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा ओपन करने में आसानी होगी मुझे, सो इसमें ए को -1 तो बात बराबर ही है, तो लेफ्ट साइड तो 0 ही है और राइट साइड हो गया NCR -1 की पावर R, तो मैं पावर R रखना चाह रहा था इसलिए ऐसा किया, वो भी ठीक ही था, R from 0 to, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो 0 equal to, इसको ओपन करो, जो राइट साइड में है इसको ओपन करो, तो ओपन करो तो क्या होगा, NC0 और -1 की पावर 0 तो 1 रह गया, NC1 -1 की पावर 1, तो इस माइनस को मैं क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, इस माइनस को यहाँ लिखो, ये जो -1 है तो उसको तुम इधर लिखो माइनस, फिर यहां पे हो गया प्लस NC2 होगा, माइनस NC3 होगा, प्लस ऐसे चलता रहेगा, अब डिपेंड करेगा n क्या है, डिपेंड करेगा n ऑड है या इवन है, जैसे मैंने n 100 लिया था उस क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा n क्या है, उसके हिसाब से -1 की पावर n NCN होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी राइट साइड में माइनस वाले टर्म तुम्हें अभी दिख रहे हैं उसको लेफ्ट में बुला लो, तो क्या हो जाएगा, जो राइट में नेगेटिव है उसको लेफ्ट में बुला लो, NC1, NC3, NC5 और राइट, अब राइट में जो प्लस वाले उसको ऐसे रहने दो, तो NC0, NC2,
चलता रहेगा। तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब ध्यान से तुम्हें यह देखना है, इस पूरे का सम कितना है 2n, और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, जिसका r के प्लेस पे ऑड है वो एक साथ और r के प्लेस पे इवन है वो एक साथ, और दोनों इक्वल है। सो दो क्वांटिटी है, दोनों इक्वल है, और दोनों को ऐड करने पे 2n आता है। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी देखो एक बार, जिनको समझ नहीं आ रहा वो जिनका डाउट था वो देखो एक बार, समझ आया कि नहीं। इसी चीज को मैंने वहां लिखा था, यही चीज यहां लिखी हुई है, यहां पे सेम चीज देखो वही ये है, बस n के जगह 100 है यहां पे, सेम स्टोरी जो मैंने अभी बताई है वही चीज 100 के लिए यहां लिखी हुई है। कि जब r की जगह इवन है तो वो इक्वल है, r की जगह ऑड है, ये कैसे आया, तो a को माइनस वन b को वन रखने पे आया, a प्लस बी की पावर 100 को खोलोगे तो, जब तुम a प्लस बी की पावर 100 को खोलोगे इसको ओपन करो क्या आता है। जिनको देखो तुम्हें कई बार समझ क्यों नहीं आता, तुम सिर्फ देख रहे हो, इसलिए जब तुम लिखोगे ना जो मैं बोल रहा हूं तो समझ आए। इसमें क्या बोल रहा हूं कि a प्लस बी की पावर 100 को ओपन करो, जैसे क्या होता है तुम यहां से 10 किलोमीटर आगे देखना चाहते हो तो तुम्हें नहीं दिखेगा, है ना, तुम्हारे चश्मे में उतना पावर नहीं है अभी। सो वो कब दिखेगा, तुम लिखोगे तो, लिखोगे तो तुम्हें अभी थोड़ा 100 मीटर आगे दिखेगा, जब तुम एक स्टेप लिख लोगे तो अगले दो स्टेप तुम्हें तब दिखेंगे। अब यहां डायरेक्टली हो सकता है थोड़ी दिखेगा तुम्हें कैसे आया, तो तुम्हें कई बार लिख के करना पड़ेगा, इनिशियली तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ताकि समझ आएगा। जब तुम उस चीज को बार बार रिवाइज कर चुके हो, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, तो तुम्हें दूर तक दिखेगा कि ओके चार स्टेप बाद क्या आना है वो दिखेगा, अभी थोड़ी दिखेगा शुरू में। एटलीस्ट वो लोग जो बहुत ज्यादा ना ये चीजें भूल चुके हैं, जिनको है उनको समझ आ रहा होगा। सो लिख के देखो, जब भी तुम्हें समझ, तुम लिख के देखो, लाइक इसको तुम ओपन करो, फिर मैं कह रहा हूं तुम्हें कि a को 1 b को 1 रखो, देखो क्या आ रहा है एक्सप्रेशन, इसे देखो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, फिर a को माइनस 1 और b को 1 रखो, फिर देखो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, एक से ये आएगा, दूसरे से ये आएगा। जब a 1 b 1 रखोगे तो पहला एक्सप्रेशन आएगा, a को माइनस 1 b को 1 रखोगे तो दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। अब ये कहने का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी पूरा है इसको एक नंबर मान रहा हूं मैं, इस वाले को दूसरा नंबर मान रहा हूं, तो दोनों नंबर इक्वल है, और इन दोनों नंबर को जोड़ने पर 2 की पावर n आ रहा है। तो तुम x और y इक्वल है ना, तो सिंपल देख लो, अभी भी दिक्कत है तो n x इज इक्वल टू y, तो y की जगह x रख दो, तो x प्लस x बराबर 2 की पावर n, मैंने y की जगह x रख दिया, तो 2x बराबर 2 की पावर n, तो x बराबर 2 की पावर n अपॉन 2, मतलब 2 की पावर n माइनस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस मैं एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो तुम्हें खुद समझना है, जब तुम करोगे तो उस तरह पूछे हैं, तुम्हें खुद इंटरप्रेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की लिमिट है ना, क्वेश्चन इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि लाइक कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो ये सब कुछ आइडेंटिटीज है, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स की पावर n को ओपन किया इन्होंने, सो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो तुम्हें देखना है, और ये भी मुश्किल है, तुम खुद से करके देखो ये क्या किया इन्होंने। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, सो पहले तुमने लिख लिया a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन, ये लिख लोगे, फिर a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन लिख लोगे, अभी लिखा था मैंने, फिर इन दोनों को तुम्हें ऐड करना है, जस्ट तुम्हें देखना है कि क्या होता है एक्चुअली, है ना, इस तरीके से तुम देख सकते हो क्या होता है, फिर a प्लस बी की पावर n में से घटा के देख लो क्या होता है, है ना, तुम्हें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मिलेगा, तो यहाँ तुम देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना, ये तुम्हें पता ही है। सो यहाँ जैसे था एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन, ऐसे चल रहा था ना लास्ट में, एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर n माइनस वन, सॉरी बी की पावर n, तो इस तरीके से है। फिर ऐसे अब क्या होगा, अब जब तुमने b को माइनस भी रख दिया तो बस ये बीच में ऑल्टरनेट साइन चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, फिर अब दोनों को ऐड करोगे तो जो नेगेटिव वाले टर्म है वो कैंसिल हो गए, तो नेगेटिव वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, टू टाइम, सो बचा यहाँ पे एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो एन सी टू
ये सब कैलकुलेशन जस्ट तुम्हें करना है समझने के लिए कि कैसे आ रहा चीजें, है ना। एन सी फोर इस तरीके से आता रहेगा। क्या हो गया, नेगेटिव वाले टर्म्स कर दीजिए, घटा रहे हो तुम तो अब ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, ये आप प्लस ले लो, है ना, ये पावर एन, तो इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, टू टाइम एन सी वन ए की पावर, ठीक है ना, एन माइनस वन होगा, फिर एन सी थ्री होगा यहाँ पे, इस तरह चलता रहेगा पावर, है ना, वन थ्री फाइव इस तरह से पावर आते हैं, इस तरह ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें देखने हैं, समझ ना तो नेक्स्ट क्लास दोबारा पूछना, बट एक बार गो थ्रू हो जाओ क्योंकि ये सब तुम्हें थोड़ा हेल्प करेगा। फिर वन प्लस एक्स की पावर एन है, तो ये तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इसी में जो ए है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ए को वन एंड बी को एक्स रख दो, सो क्या बनेगा, ये जो जो एक्सप्रेशन तुम्हारा है वन प्लस एक्स की पावर एन, सो ये टर्म तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे आगे देखो, ये सब जो भी कर रहे हैं सब फाइनाइट टर्म्स का सीरीज सम है, आगे क्या है, इनफाइनाइट टर्म का सम तुम्हें करना, तुम्हारा टॉपिक है ना सीक्वेंस एंड सीरीज जैम में मैथमेटिक्स पोर्शन में, तो इनफाइनाइट टर्म के सम भी तुम जानोगे। यहां मैंने ऐसे लिख दिया, यहां तक समझो इनफाइनाइट है, यह है फाइनाइट ही, मैंने लास्ट टर्म लिखा नहीं है, ठीक है ना, यहां भी फाइनाइट टर्म है, वो लास्ट टर्म मैंने लिखा नहीं है, सो ये सब फाइनाइट टर्म है, तो ये सिंपली इसको ओपन कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा लाइक एन सी जीरो एन सी वन, है ना, सिंपल हो जाएगा, एन सी जीरो एन सी वन एक्स, फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर, है ना, एन सी थ्री एक्स क्यूब, अच्छा ये एन सी लिख दिया, यही नोटेशन है, सेम नोटेशन एन सी वन इस तरह से, और लास्ट होगा एन सी एन एक्स की पावर, कोई भी नोटेशन यूज कर लो यार, इसलिए मैं वही नोटेशन यूज, एक नोटेशन यूज करता हूँ, ठीक है ना, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो एनीवे देख लेना एक बार, सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर ऐसे वन माइनस एक्स है तो बी की जगह माइनस एक्स रख दो, उससे एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह से। अब ये टर्म फ्रॉम एंड से एक्चुअली क्या होगा, हाँ ये फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने कि पी एथ टर्म फ्रॉम द एंड दिस इज एन माइनस पी प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये फॉर्मूला होगा एक्चुअली कि जो एंड से, मान लो स्टार लिखता हूँ एंड से, तो एंड से जो आर एथ टर्म है या पी एथ टर्म है वो बिगिनिंग से, तो ई लिख देता हूँ एंड, और ये बिगिनिंग से कौन से टर्म होंगे, एन माइनस पी प्लस टू एथ टर्म, बस ई का मतलब एंड, बी का मतलब बिगिनिंग, शुरू से, सो ये रिलेशन सिंपली तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तुम एक्सप्रेशन जब इसका लिखोगे तो पहला टर्म क्या था, एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो, अब ये स्टार्टिंग से पहला टर्म है, अब तुम उधर से काउंट करना शुरू करो, तो ये शुरू से बिगिनिंग से पहला टर्म है, जबकि एंड से तुम देखोगे इसको तो एंड से कौन सा वाला टर्म होगा, ये सोचो इसी को, ये शुरू से पहला टर्म है, अगर एंड से काउंट कर रहे तो कौन सा वाला टर्म आएगा, एन प्लस वन टर्म, है ना, तो ये एन प्लस वन टर्म है। अब इसी फॉर्मूले को जनरलाइज किया, जो सेकेंड टर्म बिगिनिंग से होगा वो एनथ टर्म एंड से होगा, है ना, इस तरीके से, सो उसी को भी हमने फॉर्मूला जनरलाइज कर दिया कि जो, मतलब इसको मैं देता हूं, आरएथ टर्म बिगिनिंग से है तो वो एन माइनस आर प्लस टू एथ आएगा एंड से, कोई भी लिख सकते हो यहाँ एंड बिगिनिंग मर दिए, सो जैसे आर को वन रख दो तो यहाँ आर को वन रखोगे तो एन प्लस वन आएगा, जैसे वो आया आर को टू रख दो, सो वो तुम्हारा मतलब ई बी इंटरचेंज कर सकते हो ना, क्योंकि जो शुरू से पहला टर्म है वो लास्ट से एन प्लस वन एथ है, जो शुरू से n प्लस वन एथ टर्म है वो लास्ट से फर्स्ट टर्म है, इस तरह से, तो ये जस्ट एक रिलेशन बता रहा है कि तुम काउंट कैसे करोगे। अच्छा अब आता है मिडिल टर्म, सो हाँ बस यही पे कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, ओके सो मिडिल टर्म का क्या है, अब सिंपल लॉजिक ये है, जैसे बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तुमने खोला तो क्या आया a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर,
इसमें तीन टर्म है, तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म है? है ना, सिंपल ये मिडिल टर्म है आपका। तो इसी लॉजिक से अगर मैं a प्लस बी की पावर n लेता हूं, ठीक है, और उसमें क्या है, मान लो n इवन है, n जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, मैं जनरलाइज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, अब कि a प्लस बी की पावर n को ओपन किया, n इवन है, तो जब इसको तुम ओपन करोगे, सो दिस हैज n प्लस वन टर्म्स, है ना, क्योंकि पता है पावर टू था तो तीन टर्म आया, तो मैंने एन को इवन लिया है, तो इसको जब खोलोगे तुम तो इसके पास एन प्लस वन टर्म्स आएगा, और जब एन तुम्हारा इवन है ना तो एन प्लस वन उस केस में ऑड होगा, क्योंकि पावर टू था तो नंबर ऑफ टर्म थ्री थे, तो पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कितने मिडिल टर्म मिलेंगे मुझे, सो वन मिडिल टर्म होगा, और वो कौन सा टर्म होगा, और वो कौन सा टर्म होगा, सो इसमें मैं वैसे लिखा प्लस वन बाय टू, हाँ, सो जो मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म होंगे इसमें, और वो मिडिल टर्म कौन से होंगे, देखो टी, या ऐसे लिखता हूं, एन इवन है तुम्हारा तो एन बाय टू, तो यहां देखो टू था पावर ना, तो टू बाय टू तो वन आता, फर्स्ट टर्म था क्या, नहीं उसका नेक्स्ट टर्म था, सो एन प्लस टू प्लस वन एथ टर्म। So, ये फॉर्मूला है, तुम इससे रिलेट कर सकते हो, मतलब वेरीफाई करने के लिए, यू कैन जस्ट रिलेट कि n को मैं 1 रख के देखता हूं क्या, n 2 है ना पावर, यहां पे 2 रख के देखता हूं, 2 by 2 1 plus 1 सेकंड टर्म इसका मिडिल टर्म था, ऐसे पावर 4 होता, मान लो a plus b की पावर 4 होता, तो इसको जब खोलते तो 5 टर्म आता ना, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, क्योंकि दो आगे दो पीछे, मिडिल वाला बीच में, सो सेकंड मतलब एक मिडिल टर्म होता, वो कौन सा वाला टर्म होता, वो So 4 by 2 plus 1 8, third term ना? जी, so ये सब बहुत easy, just revise करा रहा हूं, क्योंकि जब median, अब फिर से वही है, जब तुम order statistics पढ़ोगे, तो वहां हमारे पास order statistics में क्या है, n random sample है तुम्हारे पास, तुमने order कर दिया कि first order start, second order third, इस तरह से, अब तुम्हें उसमें median निकालना पड़ता है, तो median कुछ और middle term है, middle term is the median, है ना, वो data, वो point जिसके आगे और पीछे प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो, मतलब आगे बताएंगे, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी रैंडम वेरिएबल का मीडियन निकालना है, तो मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल टर्म। ठीक है, सो मिडिल टर्म निकालना मीडियन भाई है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि दूसरा ये तुम्हारे पास, अगर जैसे मान लो अब a प्लस बी की पावर 3 है, सो तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, ए क्यू प्लस, तो वैसे नहीं लिखना जो फॉर्मूला तुम याद है, बाइनोमियल थ्योरम में एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर लिखना, सो ए क्यू 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर फिर बी क्यू, अब इसमें तो चार टर्म आ गए, क्योंकि पावर तो इसका 3 है ना, सो मान लो ऐसा है कि a प्लस बी की पावर n है, जहां n तुमने ले लिया ऑड नंबर, तो जब इसको तुम ओपन करोगे तो n प्लस वन टर्म्स आएंगे, और n प्लस वन टर्म्स आएंगे तो n प्लस वन तुम्हारा इवन होगा, जैसे यहां पे हो रहा है। ओके, सो इसमें कौन सा मिडिल टर्म है, सो दोनों मिडिल टर्म है, लेकिन बाद में जब देखोगे, जब हम आगे हम बात करेंगे मीडियन की, तो मीडियन क्या है, इस बीच का कोई भी नंबर, तो चूंकि यहां पे सम है, सो अभी ठीक है, अभी दोनों मिडिल टर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं, सो बोथ विल कंसीडर बोथ एज अ मिडिल टर्म, हालांकि मीडियन जो होगा इसके बीच का नंबर होगा, है ना, इन दोनों के बीच का एक्सक्लूडिंग देम, तो वो आगे डिस्कस करेंगे मीडियन का, ना जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब, जैसे मान लो कोई नंबर है 1 2 3 4, तो इसका मीडियन क्या होता है, तुम लोग नॉर्मली जानते हो मीडियन कैसे निकालते हो, जैसे डेटा पॉइंट है, चार डेटा पॉइंट, हाँ, तो वैसे तुम जानते हो 2 एंड 3 का मीन, राइट, कि 2 और 3 बाई 2 मतलब 5 बाई 2 हो गया, लेकिन क्या ये यूनिक है, तो मतलब 5 बाई 2 मतलब 2.5, तो 2.5 मीडियन है, दैट इज फाइन, बट कैन आई से 2.4 इज आल्सो मीडियन, यस और नो, मीडियन मीडियन 9th क्लास में था, 8-9 में पढ़ा होगा, 8-9-10 में मीडियन पढ़ा होगा, क्या बोल सकता हूँ 2.4 भी मीडियन है इस डेटा पॉइंट का, है ना, क्यों ये सर,
कोई भी नंबर 2, 3 के बीच का कोई भी नंबर मीडियन है, 2.1 भी एक मीडियन है, 2.2 भी मीडियन है, ठीक है ना, 2.5 तुम्हारे आसानी के लिए एक नंबर बता दिया 2.5 है ना। इनफैक्ट मीडियन का मतलब है कि वो नंबर जिसके राइट और लेफ्ट में इक्वल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, सिंपल। तो टू इसमें 2 और 3 है, 2.1 के लेफ्ट में भी दो नंबर है, 2.1 के राइट में भी दो नंबर है, तो वो भी मीडियन है। तो मीडियन यूनिक नहीं होता, यहाँ देखो यहाँ पे 2 और 3 के बीच का हर नंबर मीडियन है, 2.001 भी मीडियन है, ठीक है ना, और 2.9 भी मीडियन है। सो लाइक 2 और 3 के बीच का हर नंबर मीडियन है यहाँ पे। सो मीडियन यूनिक नहीं होता, जरूरी नहीं है। तो ये सब आगे हम देखेंगे ऑर्डर स्टैट्स, ये जैम में क्वेश्चन आया है, ये मतलब एग्जैक्टली दिए नहीं, ऑर्डर स्टैट्स के केस में है ना, कि वाइज का ही क्वेश्चन है। जैसे ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अब इसका मीडियन बताना है तुम्हें, है ना। तो जैसे एक लॉजिक ठीक है, x2 + x3 / 2, दिस इज वन ऑफ द मीडियन, बट दिस इज नॉट यूनिक मीडियन। इसमें आंसर ऑप्शन में था यूनिक मीडियन है, दिस इज नॉट यूनिक, ये एक मीडियन है बट इसके अलावा और भी मीडियंस हैं, ठीक है ना। ये इस बीच का एक पॉइंट है बट इसके बीच में और भी पॉइंट्स हैं जो मीडियन हो सकते हैं, ना। सो इस तरह से क्वेश्चन आया जैम में, सो वो हम देखेंगे, है ना। तो एटलीस्ट ये सब थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो वहां तुम रिलेट कर पाओगे, है ना, वो है। तो अभी तो हम जस्ट ये गेस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मीडियन के मतलब मीडियन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ मिडिल टर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म जो क्या होगा कि बोथ विल कंसीडर्ड, यहाँ जो डेफिनेशन के हिसाब से जो बुक में डिफाइन किया गया है कि बोथ आर मिडिल टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं मिडिल टर्म, यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होंगे ना, सो इस केस में 2 मिडिल टर्म मिलेंगे आपको। सो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा, एंड 2 मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा क्या क्या, सो वो क्या होगा, देखो थर्ड के लिए क्या था, सेकेंड एंड थर्ड टर्म है ना। सो क्या लिखोगे, एन तो ऑड है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, सो एन प्लस 1/2th टर्म, और इसका नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट मतलब प्लस 1, ऐसा लिख लो, या इसी को तुम लिख सकते हो एन प्लस 3/2th टर्म। तो ये सब 11th ऑफ द कॉन्सेप्ट, जस्ट रिकॉल करा रहा हूं, ओके। सो एन प्लस 1/2th टर्म, एन प्लस 3/2th टर्म मिडिल टर्म होगा। तो इस केस में जब एन तुम्हारा ऑड है तो ओपन करोगे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उसमें, 2 मिडिल टर्म, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 2 मिडिल टर्म मिलेगा, है ना, बोथ आर मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म यहां पे आएंगे, 2 मिडिल टर्म दोनों कंसीडर करना है, ओके। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म निकाल लोगे, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है तुम ट्राई करके देखना, सो यू कैन फाइंड मिडिल टर्म। सो यहां देखो बता रहा है कि जब n ऑड है तुम्हारा, जब n इवन है तो n by 2 plus 1th term middle term होगा, जब n odd, अभी सब theories है, जब तक problem नहीं करोगे तुम्हारे concept बहुत ज़्यादा clear नहीं होंगे। so application करना है, तो जब भी तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो उस पे best questions try करो ताकि वो चीज़ तुम्हें clear हो किस तरह frame होगा। तो question है example exercise में, so n plus 1/2th term और n plus 3/2th term middle term होगा। अब ये तो हो गया, देखो ये formula जो सोने लिख रहा था वो यहाँ पे है, चेक करो। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि ए बी दोनों को 1 रख दिया इस फॉर्मूले में। सो ये फॉर्मूला आ गया जिसको मैं शुरू में तुमसे पूछा था, पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि NC0, NC1, NC2, NCN क्या होगा 2 की पावर m, और ये जैम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फिर यहाँ ए को 1, बी को -1 रखा, सो चेक करो NC0, NC2, NC4 जहां भी टर्म जहां तक होगा वो सेम होगा, ये भी मैं अभी आगे लिखा था उस समय, इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है, ये तुमसे मैं पूछ रहा था कि 2 की पावर -1 के इक्वल है, ये और ये दोनों किसके इक्वल है, 2 की पावर n-1 के, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 2 की पावर n आ रहा है और दोनों इक्वल है, सो हाफ ऑफ हो जाएंगे दोनों, ठीक है। सो ये तो मैंने पूछ रहा था, तो जस्ट फॉर्मूले पे एप्लीकेशंस हैं, यही लिख रहा है जो मैं लिखा था उस समय, ये था, सो मैं यही लिख रहा था, जब तुम्हारे NCR में यहां R इवन है और यहां R ऑड है, R समझ आ रहा ना, 0, 2, 4 इस तरह से 1, 3, 5, तो जहां तक भी जाएगा वो 2 की पावर -1 के इक्वल है। सो एटलीस्ट ये समझ आ रहा होगा तुम्हें, चलो। तो अब यहाँ पे है तुम्हारे पास एग्जांपल्स, एक्चुअली ये मैंने जो बुक खोला है वो एग्जांपल और प्रॉब्लम वाला है, तुम्हें एनसीईआरटी खोलना है, जैसे मान लो देखो एनसीईआरटी प्रॉपर खोलोगे तो तुम उसमें ट्राई करना। तो जैसे मैं काम करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एन सी ई आर टी
तो ये तो मैंने खोला, तो ये आ गया वो वाला बायोमियल थ्योरम, वही बुक का दूसरा खोला, हाँ ये रहा। सो ये एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था, वो भी कर सकते हो, कोई भी बुक ढंग से प्रैक्टिस कर लो। सो ये अब ये मैंने थ्योरी का करा ही दिया पूरा, अब तुम्हें क्या करना है इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। जैसे थ्योरीज मैंने एक बार जैसे रिकॉल करा दिया, हालांकि तुम लोग को आता ही हो, तो रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब तुम सीधा एग्जाम्पल पे जाओ और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो। ये तो फॉर्मूला सब देखा तुमने, सो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल, ये तो ऑब्जर्वेशन है जिसमें देखा था, नहीं ये फॉर्मूला भी लिखा है 2n सीजर्स। जैसे ये जैसे एग्जांपल है, हाउ विल यू एक्सपैंड, तो एक्सपैंड करके देख सकते हो जस्ट समझने के लिए, पर इससे रिवीजन हो जाएगी। सब कंप्यूट सब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल विच वन इज लार्जर, सो इस तरह से थोड़ा देख सकते हो तुम। बस एक बार पर्पस ये है, ये इसमें से नहीं आने, पर्पस बस ये एक बार रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट, ताकि ये आगे यूज हो, तुम्हें पता हो ये चीज़ है। बाकी तुम जस्ट एक बार देख जाओ एग्जाम्पल, एक साइज सॉल्व कर लो। देखो पहले एक साइज में कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है टोटल। ओके जैसे इस तरह का भी यही क्वेश्चन था ना जैम में, यहाँ मैंने के लिख दिया था, तो यहाँ पे चलो वो अलग है, वहाँ पे वन के इक्वल था वहाँ वाला के इंटू एन सी आर, तो वन के इक्वल किया था मैंने। अब यहाँ इन्होंने इस तरह कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। अब जनरल टर्म, ये हमने थ्योरी डिस्कस कर ली है, सो है ना, ये जनरल टर्म था आर प्लस वन टर्म एन सी आर, ए की पावर माइनस आर, बी की पावर आर। ओके और अब हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म डिस्कस किया हमने कि अगर n इवन है तो n by 2 plus 1 इसका मिडिल टर्म होगा, n अगर ऑड है तो दो मिडिल टर्म आएंगे, और वो ये आएंगे n plus 1 by 2 and n plus by 2 next terms का जो है, सो ये मिडिल टर्म है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, अब ये एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, यू कैन ट्राई, जस्ट थोड़े से रिविजन हो जाएगा। और उसके बाद ठीक है ना, तो पहले एक साइज में 14 क्वेश्चन थे, दूसरे एक साइज में 12 क्वेश्चन है, अभी वजह मिसलेनियस, मिसलेनियस के एग्जांपल्स कुछ होंगे एंड कुछ एक्सरसाइज होंगे, सो एक बार जस्ट सॉल्व कर लो जस्ट, है ना, अब आइडिया और लगे बहुत इजी है, इसका मतलब अच्छी बात है, तुम्हें एक बार समझ आ गया, फिर ये सब आगे यूज होगा तो तुम्हें समझ आएगा। कुछ और भी कॉन्सेप्ट है तो ये चैप्टर एक बार रिवाइज करा दिया तुम्हें, है ना। So, आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है ना, ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स वाली, ठीक है, इसकी चैप्टर 8 जो है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें आपको एग्जांपल्स ठीक है प्लस एक्सरसाइज ट्राई करने हैं। कौन कौन से एक्सरसाइज है, 8.1 होगा, 8.2 होगा और मिसेलिनियस होगा, सो तीन एक्सरसाइज है ठीक है, और हर एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स हैं, तो आप एक बार ट्राई करो, जब गो थ्रू हो जाओ, कोई मुश्किल लगे तो हम इसका डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक बार ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ याद आया होगा जिसका आगे यूज होगा, अभी आप देखोगे कि जब बीच में जैम कर रहे होंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा वो ये सब चीजें थोड़ी यूजफुल है, जरूर सब कुछ काम आएगा, लेकिन ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। ओके तो यही है, और कुछ पूछना है किसी को? सो हमने फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक बार चैप्टर एनसीईआरटी बाइनोमियल थ्योरम कर लिया, क्योंकि आप लोगों को आता ही था, उसको रिवाइज किया है, अब ये क्लास में सेट्स भी करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क टिल टू नेक्स्ट क्लास, और अगर इसमें डाउट रहा तो डिस्कस करेंगे, नहीं रहा तो फिर नेक्स्ट क्लास में सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, क्या है आज संडे है, अच्छा आज तो संडे ना, तो नेक्स्ट क्लास देखता हूँ शेड्यूल क्या है, आज क्या है, आज तो 12 तारीख है ना, संडे, ठीक है, ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, कल या परसों होगी, सो कल भी हो सकती है, सो तुम एक बार इसको सॉल्व कर लो, मतलब टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में कर दोगे, सो जैसे एक बार गो थ्रू हो जाओ, एग्जाम्पल भी एक बार देख लो, बस समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना, सॉल्व करने में सॉल्व कर लो, बट ये बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला याद हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो तुम कर सको ना। जैसे मान लो
तुम प्रसन्ना साहू वाली बुक उठाओ, उसका पहला चैप्टर यही है, पहले चैप्टर में यही सब डिस्कस कर रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड वो मतलब बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहा है वो, प्रसन्ना साहू वाली बुक देखोगे तो। और एक बुक्स, जो भी बुक्स तुम स्टार्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी देख रहा था बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ये बुक है, ये भी पहले चैप्टर में यही डिस्कस कर रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, क्या है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी है ना, सेल्टन रॉस वाली बुक, इसमें तुम फर्स्ट चैप्टर देखोगे इस बुक का तो इसमें वही बता रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम कर रखा है, ताकि वो एक बेसिक रिकॉल करा देते हैं ताकि आगे यूज करें तो दिक्कत ना हो बच्चों को। ये है और एक बुक, जैसे मान लो अभी मैं ये बुक देख रहा था, ये बुक है, अभी इस बार मैं शायद ये फॉलो करूँ ये वाली बुक, ये कौन सी बुक है, हॉग है ना, हॉग में के नेम क्रेग वाली, हॉग एंड क्रेग वाली बुक। सो इसमें क्या है, इसमें भी पहला चैप्टर तुम देखो, इसमें पहला चैप्टर क्या है, सेट थ्योरी इसमें पढ़ा रखा है इन्होंने, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है सेट थ्योरी क्या है ये सब, फिर आगे इन्होंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है। सो बेसिक्स मतलब रिक्वायरमेंट तो है ही, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, बाइनोमियल थ्योरम की, सेट थ्योरी की, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी से पहले, ताकि आप आगे प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ओके सो आई थिंक आज यही, आज इतना ही रखते हैं, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी थोड़े बहुत टाइम देते रहो, हो जाए ना, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है एग्जाम, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें कंपटीशन है ना, कंपटीशन में तुम्हें ध्यान रखना कि बाकी बच्चे जो कर रहे हैं उनसे बेटर है ना, क्योंकि पढ़ तो सब रहे ना, ये है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तुम अगर प्रीवियस पेपर ढंग से कर रहे हो, तुमसे हो रहा है तो एग्जाम में भी हो जाएगा, सिंपल है। ओके चलो आज इतना ही रखते हैं फिर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट सर।